नो इफ नो बट सिर्फ बात। आज तक किस तरीके से अपने आप को कूल डाउन करते हैं? मेरे को भंगड़े का बहुत शौक है। गैंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट भी थी वहां पर कई लीगल कंस्ट्रक्शन में, वो भी तोड़ी गई, धमकी भी आई। फेवरेट सिंगर देखे जी दिलजीत है और दिलजीत दोसांझ है, सिद्धू मूसेवाला भी फेवरेट है। लोग मुझे सिंघम कहते हैं तो मैं वैसे भी अजय देवगन का, मैं वैसे भी उसको एक बहुत अच्छा एक्टर फॉलो करता हूँ, उसको भी अच्छा एक्टिंग करते हैं वो। एक नोडल टीम होनी चाहिए जी। उसमें सारे विभाग जो है वो रिप्रेजेंट करें और नोडल एक टास्क फोर्स टाइप बनाकर गुरुग्राम में ऐसे एनक्रोचमेंट को हटाना चाहिए। सतेंद्र है, मांगेराम जी हैं, जेईज हैं मेरे पास, निगम की टीम के हैं, वो सारे मिलकर देखिए काम कर। हेलो गुरुग्राम, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम, जहां पर हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत से, ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो समाज के लिए एक अनूठी पहचान बनाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं और नजर में रहता है उनके कि किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाया जाए, अपने गुरुग्राम को आगे बढ़ाया जाए। तो आज एक ऐसी ही हस्ती हमारे साथ मौजूद है जिनके बारे में अगर आज की डेट में बात की जाए, सबकी जुबान पर एक ही नाम है, आरएस भाट, जो अतिक्रमण की लगाते हैं वाट और जैसी भी होती है जब साथ तो किसी की नहीं होती है खैर। तो चलिए बात करते हैं आरएस भाट जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि कभी भी हम किसी कंपनी में जाते हैं या बातचीत करते हैं तो फुल फॉर्म आरएस भाट, फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि हमने भी काफी बार सर्च करने का प्रयास करा तो अलग अलग नाम आते हैं, बट सही में आप ही से जानना चाहेंगे। देखिए मेरा वैसे शॉर्ट फॉर्म में तो आरएस भाट कहते हैं लोग जी जी, लेकिन एक्चुअल नाम मेरा पूरा है रण दिल शेर जितेंद्र सिंह भाट। रण भूमि में शेर जैसा दिल रखने वाला जी, और इंद्र पर जीत प्राप्त करने वाला भाट, ये मेरा ही नाम है, कोई फादर साहब का नाम साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये पूरा नाम है जी मेरा। तो कहें कि इसी नाम को सार्थक करते हुए अभी चल रहे हैं आरएस भाट। बिल्कुल कोशिश है जी, कोशिश कर रहा हूँ कि जी जो नाम है देखिए वो अच्छे काम से और नाम बने, यही अपेक्षा है मेरी। एक साइड देखी है सभी ने आपकी कि आप तोड़फोड़ की तरफ ध्यान देते हैं या बात करें अतिक्रमण हटाने पर ध्यान देते हैं, लोगों की जो समस्याएं आती हैं वो सुनते हैं डीटीपी आरएस भाट, बट बात करेंगे पहले दूसरे पहलू की, कौन है आरएस भाट, शुरुआती दौर में कैसे थे आरएस भाट, सबसे पहले एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे, क्या एजुकेशन है सर आपकी? देखिए मैंने बैचलर्स बीटेक की है अर्बन रीजनल प्लानिंग में, टाउन प्लानिंग में बैचलर्स की है मैंने और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से की है जी। फिर मैंने मास्टर्स भी एमटेक की है अर्बन प्लानिंग में की जी, वो भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से की। लगभग ये 6 साल के टेन्योर में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने टीचिंग की, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ, लगभग 3.5 साल मैंने टाउन प्लानिंग पढ़ा रखी है। ओके। और उसके बाद मैंने 2 साल लगभग एक प्राइवेट कंपनी थी SAI साई कंसल्टेंसी, उसमें मास्टर प्लान्स का प्योर प्लानिंग ओरिएंटेड काम था, तो वो 2 साल में मैंने 2-4 मास्टर प्लान्स में एज प्रोजेक्ट हेड काम किया। मतलब प्योरली जो स्टडी भी है मेरी वो अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग के साथ ही रही है। लोगों के 3-4 क्वेश्चन भी आए थे जी। पहली बात, क्या आरएस भाट सोते हैं? दूसरी, खाते क्या हैं? तीसरी बात, टीम कैसे अभी तक गुजारा कर रही है आपके साथ? ये तीनों के जवाब देने अनिवार्य हैं आपको। चलो ये अच्छा है कि ये थोड़ा अलग से सोते हैं आप, पहले ये बताएं। बिल्कुल सोता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। एनर्जी के लिए क्या करते हैं कि सुबह से शाम तक ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और फिर भी दिमाग में चलता है आप कल कहाँ जाना है? देखिए ऐसे है कि मैं डाइट मेरी बड़ी प्रॉपर रहती है जी, चाहे मैं ड्राइव भी करूं, मैं अपने घर से ही अपना पनीर सैंडविच खाना तो वो बना के लेकर आता हूँ। ओके। बनवा के लेकर आता, मतलब डाइट सिस्टम वाइज बॉइल्ड वेजिटेबल खाऊंगा, कुछ खाऊंगा जी। तो मैं ज्यादातर हैवी खाना या बाहर ज्यादा पसंद नहीं करता, वीक में 2 वीक्स में कभी एक दिन मैंने बाहर खा लिया तो खा लिया। चाय का मैं बहुत शौक रखता हूँ, चाहे मैं रात को 9 बजे भी ड्राइव करके जाऊँ, सबसे पहला काम है कि चाय पीऊंगा, खाना बाद में खाऊंगा। सोने का टाइम मेरे को 6-7 घंटे 8 घंटे में बिल्कुल प्रॉपर नींद आती है। वो प्रॉपर नींद मतलब सोने का टाइम इसलिए भी है क्योंकि गलत काम तो किया नहीं, नींद बड़ी प्रॉपर आती है। अगर आप सही काम करके आए हो, संतुष्टि होनी चाहिए माइंड में। हाँ मेरे माइंड में ये जरूर घूमता रहता है कि अगले दिन में क्या करना है,
आप 10-9 बजे जाऊंगा तो अगले दिन का तैयारी भी करनी है, असिस्टेंट टाउन प्लानर्स के साथ बात भी करनी है, सुबह पुलिस फोर्स भी करनी है, वो कोऑर्डिनेशन भी करनी है। तो मेरा क्या, मेरी टीम सुबह 8:30 बजे एक्टिव हो जाती है ताकि सारी कोऑर्डिनेशन करके तो ही हम 11 बजे 10:30 बजे। तो टीम कभी कुछ कहती नहीं है? देखिए टीम ये जरूर कहती है कि जी, वो भी आप जैसा प्रश्न पूछते हैं कि आप खाते क्या होगे जी, सारा दिन चलते रहते हो, हम थक गए, हम ये हो गए। तो मैं उनको यही कहता हूँ, देखो जी, जो अगर मैं विक्स की गोली ले रहा हूँ तो आप भी ले लो, तो वो भी चलना तो पड़ेगा। अगर अगर मैं ही बैठ जाऊंगा तो मेरी टीम ऑब्वियसली नहीं करेगी काम। अगर आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आपका जो टीम लीडर है वो ही चलता रहेगा तो टीम के लिए वो मोटिवेशन होगा, उसको चलना पड़ेगा। और इफ बट नहीं है जी, उनको तो मैं कहता हूँ, उनके लिए तो मैंने वर्ड छान रखा है, नो इफ नो बट सिर्फ बात, ये तो वो अच्छा। तो उनको काम करना पड़ेगा और वो करते हैं। तो जैसे ही इस डिपार्टमेंट में एंट्री हुई, कहते हैं कि इन्फोर्समेंट का डिपार्टमेंट काफी बदनाम भी रहता है, लोग भी बातें करते हैं कि घर तोड़वाते हैं, ऐसा होता है वैसे होता है, कभी लगा नहीं कि मैं इस चीज में एंटर कर रहा हूँ मेरे ऊपर भी ये बातें आ सकती है? देखिए मैंने 2010 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को ज्वाइन किया था हरियाणा गवर्नमेंट में, और जब मैं लगा था तो मैंने सबसे पहले ये रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को ना सिरसा लगा दो। अच्छा, क्योंकि मेरा घर पंजाब में है पास ही सिरसा के, तो मेरे को बहुत सीनियर ऑफिसर ने ये कहा था भी सिरसा क्यों जाना, तो मैंने कहा घर का पास है तो इसलिए वहां जाना उचित रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा भी देखो काम करना है तो आपको घर से दूर रह के ही काम करना पड़ेगा, और नाम कमाना है तो ठीक है, अदरवाइज तुम सिरसा और इस साइड ही रहोगे तो कभी काम में इच्छा जाहिर नहीं कर पाओगे। तो टाउन प्लानिंग में मैं आया 2010 में आया, 2-4 साल मैंने हेडक्वार्टर लगाया, असिस्टेंट टाउन प्लानर के तौर पर मेरी पोस्टिंग हुई थी एज क्लास 1 ऑफिसर। फिर मैं गुरुग्राम में आया, मैंने तोड़फोड़ कभी नहीं सोचा था भी एक ये डिपार्टमेंट भी मुझे कहीं मिलेगा, मैं प्लानिंग ओरिएंटेड काम कुम में ज्यादा रहा हूँ। लेकिन जब मेरे को एनफोर्समेंट का चार्ज पीछे 19-20 में दिया गया तो मेजर डेमोलिशन ड्राइव्स मैंने कोशिश किया कि जी एकदम से इम्प्लीमेंट कर, तो देखिए वो भी एक जॉब है, जॉब का जो पार्ट है वो उसको सही निभाने का ही फायदा है, या तो आप करो ना, अगर करो तो उसको अच्छी तरह निभाओ। तो हमारे प्रोफेसर भी थे अश्विनी लूथरा, मुझे याद है अमृतसर यूनिवर्सिटी में, तो वो ये कहते थे कि अगर आप क्लासरूम के अंदर हो तो फिर आप क्लासरूम के अंदर रहो, फिर बाहर की बात ना सोचो, अगर आप बाहर हो तो फिर क्लासरूम की बात ना सोचो। तो आपको जो रोल है ना, जब आप परिवार के साथ हो तो परिवार के साथ हो, अगर आप जॉब में हो, जॉब कर रहे हो, तब आप जॉब के प्रति अपनी डेडिकेशन ओन करो, किसी भी चीज को करने के लिए ओन करो। तो मेरा ख्याल इसी उद्देश्य के साथ मैं अपना काम कोशिश करता हूँ सही करने का। रोल मॉडल कौन रहे हैं आपके, कि कभी दिमाग में आया हो कि इनकी शख्सियत मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूँ? देखिए एनफोर्समेंट में तो ऐसा कोई रोल मॉडल मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट में तो शायद जहां से मैंने स्टडी की नहीं है। हाँ डेफिनेटली मेरे जो प्रोफेसर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में रहे हैं, प्रोफेसर अश्विन लूथरा हैं, प्रोफेसर किरण संधू हैं, प्रोफेसर जौहरी हैं, इन्होंने मेरे को जब टीचिंग लाइन में मैं आया तो आउटस्पोकन बनाया। आप कहीं भी जाके सेमिनार्स अटेंड करो, सेमिनार्स में बोलो, प्रेजेंटेशंस दो, उससे क्या है कि आप जब एज असिस्टेंट टाउन प्लानर में आया तो मेरे में कोई शाइनेस नहीं थी कि जी मैं डिप्टी कमिश्नर किसी से बात करूं, तो मैं एक तरीके से कंफर्टेबली बात करता था क्योंकि वो बैकग्राउंड टीचिंग कर रहा है, वो मेरा ख्याल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जिसके कारण मेरे को आगे भी ये अच्छा मिला। बाकी मेरे जितने भी आईएएस ऑफिसर्स जो बॉसेस रहे हैं, मेरा ख्याल उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया है। हमारे चीफ टाउन प्लानर्स हैं सियाग सर हैं, पीपी सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि जी आप करो, अदरवाइज क्या है कि अगर आपके इमीडिएट बॉसेस ही आपको थोड़ा कहें कि भाई ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, वो फिर आप अपना कैलिबर या एक्टिविटी नहीं दिखा पाओगे। मुझे याद है कि जी 2015 जनवरी में मैं गुरुग्राम में एज एटीपी आया था, और मेरे को ये लगता था मैं गुरुग्राम में ना हूं, दूर है, चंडीगढ़ से दूर है, मोहाली साइड सारे रिश्तेदार हैं जी। लेकिन यहाँ आके लगा कि आप एक कोई भी ऑफिसर है उसको कितने लोगों के साथ जुड़ सकता है, वो ऐसे मेट्रोपॉलिटन टाउन्स में पॉसिबल है। और अगर हम मैन पावर हैंडलिंग की बात करें, बहुत सारे लोगों को आपको टैकल करना पड़ता है जो किसी तरीके से बात करते हैं, कोई किसी तरीके से, और अभी जो रिसेंट ड्राइव्स चल रही है काफी आक्रोश भी देखने को मिलता है
लोग कहते हैं नहीं हम जेसीबी के आगे लेट जाएंगे, आप ऐसे नहीं करोगे वैसे, कैसे एकदम कूल डाउन होकर सारा हैंडल करते हैं आरएस भट्ट? देखिए अगर हम अग्रेसिव हो जाएं, टोटली अग्रेसिव हो जाएं, तो भी ये काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल कूल डाउन हो जाएं तो भी नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस क्रिएट करना एक अपने आप में आर्ट है। कोशिश करता हूं कि जी मैं बैलेंस क्रिएट करूं। देखिए जैसे आपने भी ड्राइव्स में देखा होगा, लोगों को समझाना भी हमारा काम है। लोगों को अगर वो नहीं समझे या ज्यादा अग्रेसिव है, तो उनको चुप कराना भी हमारा काम है। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी इलीगल हो रहा है वो खत्म हो। देखिए कई जगह पर ये भी है, माफिया भी इन्वॉल्व है। ये ऐसे नहीं है कि जी हम रेडी तोड़ रहे हैं, हम एक दीवार तोड़ रहे हैं। वो दीवार की बैकग्राउंड, लोगों को लगता है कि हमने शायद 10 रेडियां तोड़ दी। वो 10 रेडियों की बैकग्राउंड में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है उनका, क्या लाइफ स्टाइल है, वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। जी जी। मैं करनाल में भी रहा हूँ, SGTP करनाल। गैंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट भी थी वहां पर कई लीगल कंस्ट्रक्शन में, वो भी तोड़ी गई, धमकी भी आई। लेकिन देखिए ये सारा सिस्टम आपको लगता है एनफोर्समेंट भी हमें SGTP करते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो मेरा ख्याल एक बैलेंस तरीके से एटलीस्ट पब्लिक ओरिएंटेड काम करो, तो आप उनको समझा के करो, कोशिश करो कि उसको कन्विंस करो, वो कन्विंस कर दे तो बेटर है, अदरवाइज आप उसको कन्विंस करो और इम्प्लीमेंट करो। बहुत सारे लोग हैं जो यूजुअली अगर अपने आप को कूल डाउन करना है तो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कोई बुक्स पढ़ता है, कोई सॉन्ग सुनता है, कोई सूफी सॉन्ग सुनता है, कोई जो है आउटिंग पे चले जाते हैं, ड्राइव पे चले जाते हैं। भट्ट साहब का किस तरीके से अपने आप को कूल डाउन करते हैं जब लगता है कि नहीं अब टेम्परेचर बिल्कुल हाई पीक पर है मेरा? देखिए टेम्परेचर तो हाई पीक पर जब मैं जॉब करता हूँ, जब इम्प्लीमेंट करता हूँ, तब तो रहता होगा। अदरवाइज मेरे को कोई ऑफिस में मिलने आए, या कई बार ये भी होता है कि कोई बंदा फोन करा के आया, वो आके मेरे रूम में ही अगर मैं खड़ा हूँ तो कहते हैं आरएस भट्ट से मिलना है, मैं कहता हूँ मैं हूँ। कहते नहीं जी आरएस भट्ट जो DTP है, ओके मैं ही हूँ। कहते जी आप तो यंग से लगा, हमने सोचा 50-55 साल की कोई एज का DTP होगा जी। तो देखिये वो जो लोग मेरे को फील्ड में देखते हैं और ऑफिस में मिलते हैं, व्यवहार में जनरली फर्क रहता है। बाकी मैं अपने आप, मेरी हॉबी है कि मैं म्यूजिक बहुत लाइक करता हूँ, चाहे वो पंजाबी सॉन्ग्स हैं, हिंदी सॉन्ग्स हैं। कोई फेवरेट सिंगर जिनको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं? फेवरेट सिंगर देखे जी दिलजीत है, और दिलजीत दोसांझ है, सिद्धू मूसेवाला भी फेवरेट है। बाकी वरुण धवन के सॉन्ग्स जो हिंदी सॉन्ग्स हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं ये अभी, क्योंकि लोग मुझे सिंघम कहते हैं, तो मैं वैसे भी अजय देवगन का मैं वैसे भी उसको एक बहुत अच्छा एक्टर फॉलो करता हूँ, उसको भी अच्छा एक्टिंग करते हैं वो। तो ये सब लोगों को सुनता हूँ। बाकी मुझे बीइंग फ्रॉम पंजाब साइड, मेरे को भंगड़े का बहुत शौक है। दो अच्छा, तो कभी किया है आपने कॉलेज डेज में समथिंग? अगर कोई मेरा इंस्टाग्राम भी देख ले तो मैं इंस्टाग्राम पर कभी ज्यादातर तोड़ फोड़ की वीडियोस नहीं डालता। अच्छा, क्योंकि तोड़ फोड़ की वीडियोस डालूंगा वही रूटीन वर्क रह जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने जो छोटे मोटे पल कहीं भी बताया, चाहे वो बर्थडे पार्टी है, लेकिन बहुत लिमिटेड जगह पर मैं जाता हूँ। और सिर्फ वो भी जो है अपनी फैमिली रिलेटेड हो या रिलेटिव्स हो या बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो, वहां जाके मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे से ना जॉब की बात कम करो। अब यहाँ एंजॉय करने आया हूँ, तो भी अगर आता है भंगड़ा तो करो, तो मुझे करने दो। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? फेवरेट सॉन्ग मेरे को सिद्धू मूसेवाले का जो डालना वरगू नी नाम तेरा चलता है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। चलिए अब हम काम की अगर बात करें, जैसे ही आप जेसीबी लेकर चलते हैं या मुनादी वगैरह करते हैं, रोड का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो क्या दिमाग में आता है कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी इतना कुछ बोलते हैं वो सही में बने? क्या प्लानिंग चलती है दिमाग में? देखिए मैं क्योंकि मेरी डिग्री भी प्लानिंग ओरिएंटेड है, मेरा ये मानना है कि आज की डेट में जी प्लानिंग तो वहां होएगी जो आपके पास क्लीन स्लेट है। क्लीन स्लेट मतलब चंडीगढ़ प्लान करना है, खाली लैंड है, बेस्ट पॉसिबल तरीके से प्लान करो। ये जो शहर है मेट्रोपॉलिटन टाउन्स हैं, ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं जी। पुराना शहर भी है, गांव भी हैं, उनके साथ मर्ज करके हमने नई अर्बनाइजेशन भी कर दी, मेट्रोज भी आ गई। इसको हम डायरेक्टली कंपेयर करें कि जी नई तरीके से प्लानिंग करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। एनफोर्समेंट बहुत स्ट्रांग है, एनफोर्समेंट स्ट्रांग होगी तो देखिए प्लानिंग
ओरिएंटेड काम अपने आप ही सुधर जाएगा। जी जी। अब मेरे को कई लोग कहते हैं कि जी देखिए जी यहाँ से पार्किंग हटवा दो जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ एज टाउन प्लानर ये भी पता होना चाहिए भी यहाँ नहीं लगाएगा तो बंदा लगाएगा। हाँ, हाँ, जी, जी। तो ऑल्टरनेटिव्स देना बहुत जरूरी है जी। आप किसी को हटा रहे हो वहां कौन सा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। बंजारा मार्केट हटा रहे हैं, अब बंजारा मार्केट में मेरे अमृतसर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम अमृतसर से आ रहे हैं बंजारा मार्केट से सामान लेंगे, यार वो तो एशिया में बड़ा नाम चल रहा है उसका जी, जी, जी। जो गुरुग्राम में बंजारा मार्केट, अगर ये तो इलीगल है मैंने हटा दी जी, जी। तो भाई अगर जो देश के डिफरेंट कोने से लोग आना चाहते हैं जी, जी। एक असेट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग ओरिएंटेड कैसे काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। जहां तक मुझे पता लगा किसी ने लैंड लीज पर लेकर एक बंजारा मार्केट बनाई है, ऐसे में हम परमिशंस भी इनको ग्रांट करें सिस्टमेटिक तरीके से बनाएं ताकि उसको जो है वो एक आईसोर ना बने शहर के लिए बल्कि एक एसेट बने कि जी यहाँ पर लोग आए मतलब उनको अच्छा भी लगे। ऐसी प्लानिंग और एनफोर्समेंट बैलेंस होनी चाहिए। देखिए टाउन प्लानिंग का कोई भी ऑफिसर होगा, मेरा नहीं ख्याल हमने कभी कोई एनफोर्समेंट का सब्जेक्ट पढ़ा जी। मैं एसपीए दिल्ली के कई प्रोफेसर्स को जानता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ा हूँ वहां के प्रोफेसर एचओडीज के साथ मैं बात करता हूँ कि जी एक आज के बाद एनफोर्समेंट का सब्जेक्ट जरूर हो ताकि जो बच्चे नए आए उनको एकदम से ये ना लगे भी हम क्या आ रहे हैं, तोड़ फोड़ करना, अगला सोचता है ये क्या काम दे दिया जी, जी। तो वो एक मेजर एस्पेक्ट है जो मेरा ख्याल हमारे सब्जेक्ट्स में भी होना अनिवार्य होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो है काफी जो लोग वहां पर आपको मिलते हैं आक्रोश भी जताते हैं, कुछ व्यापारी सपोर्ट भी करते हैं, क्या लगता है कि आम जनता की भूमिका किस तरह एक प्रशासनिक अधिकारी को मिलनी चाहिए, या फिर क्या पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ उस वजह से छवि खराब रहती है कि आएंगे और जाएंगे हम तो ऐसे ही रहेंगे। देखिए ये तो है कि अगर किसी ने 20 साल 25 साल से जी कोई जी। उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा, या मैं भी कहीं गया हूँ तो एक साल बाद गया, जैसे सेंटर मार्केट में अभी हमने रिसेंट देखा सदर बाजार में, उन्होंने बोला 30 साल से थड़ा बना हुआ कोई तो आया नहीं। हाँ मतलब अगर हम किसी को लॉ समझाना चाह रहे हैं जी जी। तो वो पहले पॉइंट पर तो नहीं समझेगा, वो कहेगा कि जी ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है जी, जी मैं इतना मतलब दुकान तो मेरी है ही है जी जी। थोड़ा बहुत थड़ा बनाना भी मेरा भी इतना तो चलता ही है चलता वो है। वर्ड चलता ही है वो चल रहा है, लेकिन उस चलते के हिसाब से इतनी जनता परेशान होती है वो भी उनको समझना चाहिए। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल ऑफिसर के लिए दो ही चीजें मोटिवेट करती हैं, एक आपके इमीडिएट बॉसेस सपोर्ट करें, सीओ जीएमडीए ने आज की डेट में क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि जी बाट फ्री हैंड है लीगल तरीके से आप तोड़फोड़ जो है रोड्स ग्रीन बेल्ट्स को खाली करो। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ होने बहुत जरूरी हैं जी जी। लोकल एमएलए लोकल एमपी ये लोग आपके साथ होने बहुत जरूरी है क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे से भी कोई दुखी होगा या जी किसी ऑफिसर से दुखी होगा वो उनके पास जाएंगे जी। या तो ये है कि वो अगर सेंसिटाइज है, मेरा ख्याल आज की डेट में बहुत बड़ी है कि जी हमारे एमएलए हमारे मंत्री साहबान सारे यही चाहते हैं गुरुग्राम साहब जी जी, चाहे वो सख्ती से चाह रहे हो पिक करो चाहे वो प्यार से समझाएं, तो ऐसे ही हम जनता को समझाते हैं भी आप प्यार से मान जाओगे सख्ती से मानेंगे। तो मेरा ख्याल जब ऑब्जेक्टिव सबका एक हो जाए ना, बॉसेस का भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी, और कुछ 100% पब्लिक आपके साथ कभी नहीं आएगी जी। मेरे को आज भी लोग कहेंगे कि हाँ जी भी सदर बाजार नहीं सुधर सकता, दो दिन बाद गए हो फिर दोबारा वैसे हो जाए। देखिए अगर मैं इस बात को अपने माइंड में रख लूंगा तो मैं काम ही नहीं करूंगा, मैं डिमोरलाइज हो जाऊंगा जी। लेकिन मैं अपना काम ऐसे करते रहूंगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव इफेक्ट कभी तो आएगा, कभी तो आएगा ही आएगा देखा। लेकिन वो ये है कि एक कोई भी ऑफिसर है कोई एक टीम है उसको 2-4 महीने लगेंगे इस काम को करने में, सदर बाजार शायद 2 महीने लग जाए, छोटे मोटे रोड हम जल्दी कर देंगे जी। और इसके साथ में जो है कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि जो गुरुग्राम है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, कुछ हुड्डा के पास है कुछ जीएमडी के पास है कुछ निगम के पास है, जब आप पहले ड्राइव्स के लिए जाते थे तो सोचना पड़ता था कि ये जीएमडी का एरिया ये मेरा है तो अब ये निगम का है मैं किस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की। अब जो है जब सारे इकट्ठे हो गए तो क्या लगता है कि ये इन्फोर्समेंट टीम एक होनी चाहिए कि ताकि जो कार्रवाई कर रहा है उसको दिक्कत ना आए। देखिए जब मैं डीटीपी एन्फोर्समेंट गुड़गांव था जी तो लोग कहते थे जब मैं जाता था ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन है जीएमडीए की जी जी। फिर मैं जीएमडीए में चार्ज ले लिया मेरे पास था तो मैंने कहा मैं जीएमडीए से भी हूँ जी जी और निगम भी है। एक टाइम पर ऐसा रहा कि मेरे पास डीटीपी प्लानिंग एनफोर्समेंट एमसीजी जीएमडीए एचएसपीपी सबका चार्ज था जी जी। तो किसी के पास कोई बहाना ही नहीं,
जी आप जाओ। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक नोडल टीम होनी चाहिए, उसमें सारे विभाग जो है वो रिप्रेजेंट करें और नोडल एक टास्क फोर्स टाइप बनाकर गुरुग्राम में ऐसी एनक्रोचमेंट को हटाना चाहिए। और इसमें जैसे अब आज भी मेरे साथ अगर कॉरपोरेशन की टीम है, NHAA की टीम है, तो उनके बॉसेस नगर निगम के कमिश्नर, HSVP के एडमिनिस्ट्रेटर, COGMDA, डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम, तो सबकी सपोर्ट है। अदरवाइज मैं हमेशा ही कहता हूँ RS बाट या कोई भी अकेला ऑफिसर नहीं चला सकता, बिना टीम के नहीं चला सकता, बिना इमीडिएट बॉसेस के सपोर्ट के नहीं चला सकता। तो ये सपोर्ट है, टीम अच्छी है, टीम मेरे असिस्टेंट टाउन प्लानर्स हैं मेरे साथ, सतिंदर है, मांगे राम जी हैं, जेईज हैं मेरे पास, निगम की टीम के हैं, वो सारे मिलकर देखिए काम करते हैं। प्लस माइनस होता है कि हो सकता है हर कोई की कार्यशैली सेम ना हो, लेकिन एक टीम को साथ लेकर मेरा ख्याल एक टास्क फोर्स गुरुग्राम में होना बहुत जरूरी है, जो कि ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगा। एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच के डिमांड आते हैं, पांच भाट चाहिए तब जाके गुरुग्राम सुधरेगा। चलो ये तो अच्छी बात है, और भी ऑफिसर्स मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। देखिए एक इंडिविजुअल बंदे के साथ सिस्टम चलेगा भी नहीं, आज मैं यहाँ हूँ कल मैं कहीं और भी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, इंस्टीट्यूशन बनाओ, एक सिस्टम सेटअप करना चाहिए। अगर तोड़फोड़ की अल्टीमेटली मॉनिटरिंग कैसे होगी, आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, लेकिन वो मॉनिटरिंग का प्रोसेस जो है हम उसके ऊपर ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं अब, कि एक बार तोड़फोड़ कर दी, दो बार कर दी, तो अल्टीमेटली कल को कोई और DTP भी आए तोड़फोड़ करे तो मॉनिटरिंग होनी कैसे चाहिए। DTP की तरफ से अपनी गुरुग्राम की जनता के लिए क्या मैसेज, क्या है अंत में यही आपसे जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप उनको? देखिए सबसे पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे को सिंगम भी कहा, ये भी कहा, बाट बाबा भी कहा। ये नाम जो आप दे रहे हैं ये मेरा ख्याल ये कमाए गए हैं, अगर मैं काम ही ना करूं तो मुझे सिंगम कोई नहीं कहेगा, तो ये मैं अपने आप में प्राउड फील करता हूं, और ये प्राउड जो है वो आम पब्लिक के साथ ही है, और जो ऑफिसर पब्लिक के साथ जुड़ा है तो मेरा ख्याल अगर पब्लिक भी उसके साथ जुड़ी है तो इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। हम जो भी बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं करेंगे, आपकी मदद से करेंगे, लेकिन आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन और माफिया टाइप बनकर रेड़ियो से उगाही, रेड़ियां लगाना, रेड़ी पटड़ी लगाना, या इधर उधर के इलीगल कंस्ट्रक्शन में काम करना, वो हट जाए। देखिए सख्ती तो होएगी 100% होएगी, लेकिन जो जनता है वो मेरा साथ अगर देगी तो हम एक टीम के तौर पर, चाहे वो निगम है, चाहे GMDA है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, हम एक अच्छा काम करके शहर को अच्छा बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच RS भाट जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ DTP RS भाट, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से लगेगी अब अतिक्रमण की वार। तो आप सभी से भी अनुरोध है, लगातार आप वायरल सच के साथ बने हुए हैं कि आप नीचे कमेंट के माध्यम से लिखते हैं क्या विजन लेकर चल रहे हैं, गुरुग्राम किस तरीके से बेहतर बनाना है। और आज एक अलग रुख भी देखा RS भाट का, जहां पर उन्होंने ये भी बताया क्या पसंद है उसको और क्या खाना पीना पसंद है उनको, जो रूटीन में हम देखते हैं उससे एक अलग छवि भी जो है वो देखने को मिली। कैसी लगी वो छवि कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।